तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, यह मेरा कंप्यूटर है लेनोवो का। और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ आता है योर पीसी रन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रिस्टार्ट। ये दिखाकर हमारा कंप्यूटर जो रिस्टार्ट हो जाता है, देख पा रहे हो, और उसके बाद फिर से ओपन हो जाता है। अगर आपका कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में सेम ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है, ब्लू स्क्रीन एरर दिखाने के बाद पीसी रिस्टार्ट हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो ओपन नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए जैसे रिस्टार्ट हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर और यहाँ पर ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में आ चुका है। ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इसको सॉल्व कैसे करना है, चिंता मत कीजिए, मेरा ये वीडियो पूरा देखने से आपका ये प्रॉब्लम 100% ये सॉल्व हो जाएगा। मैं जो जो वीडियो में स्टेप दिखाऊंगा वैसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना। तो यहाँ पर देखिए डायग्नोसिंग योर पीसी दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखाने के बाद ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में आ चुका है। यहाँ पर दिखा रहा है योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेंटली, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन नहीं होगा अभी। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक रिस्टार्ट और एडवांस ऑप्शन, सिंपली आपको एडवांस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू एक ऊपर ऑप्शन है, तो पहले आपको कंटिन्यू में एक करके देख लेना है। काफी टाइम यहाँ पर कंटिन्यू करने से नॉर्मली स्टार्टअप होने से ये एरर फिक्स हो जाता है। यहाँ पर आके कंटिन्यू करके आपका नहीं हो रहा है तो नीचे देखिए ट्रबल शूट ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है, एडवांस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्टार्टअप प्रिपेयर मिलेगा, स्टार्टअप प्रिपेयर में एक बार कर देना है। अगर बाय चांस आपका विंडोज में कुछ एरर होगा उसको डायगोनाइज करके ये फिक्स कर देगा, काफी टाइम लेगा लेकिन हो जाता है ये पर ठीक। अगर स्टार्टअप रिपेयर करने से नहीं हो रहा है तो साइड में देखिए अनइंस्टॉल अपडेट है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ये क्या है, अगर आपने रिसेंटली कुछ अपडेट किया है या फिर हेवी सॉफ्टवेयर गेम यूज किया है जिसके वजह से लग रहा है आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको अपडेट अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट है और नीचे अनइंस्टॉल फीचर्स अपडेट है, तो पहले हम लोग क्वालिटी अपडेट को इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट, तो मैं इसको सिंपली अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। अनइंस्टॉल जैसे मैं क्लिक किया इसमें अनइंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, आपको ये करके देख लेना है। अगर ये करने से नहीं हो रहा है तो फिर से आपको इस मोड में आने के बाद नीचे फीचर्स अनइंस्टॉल अपडेट को अनइंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर अनइंस्टॉल हो चुका है, देख पा रहे हो, अनइंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। जैसे क्लोज करेंगे फिर से ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको कंटिन्यू ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू में एक बार क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट होकर फिर से ये ओपन होगा। और अभी हम लोग देख लेते हैं हम लोग ये जो प्रोसेस यूज किए हैं ये करने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से रिस्टार्ट होकर ओपन हो रहा है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस और वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम ओपन हो रहा है, वीडियो में जो जो स्टेप मैं दिखा रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और लास्ट में जो मैं स्टेप दिखाने वाला हूँ ये करने से आपका 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम फिक्स हुआ है कि नहीं। देखिए ये फिर से ये एरर हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है और यहाँ पर फिर से योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेंटली प्रॉब्लम आ चुका है। तो सिंपली इसको फिक्स, अभी जो मैं स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ ये इसका 100% क्या 200% आपका ये प्रॉब्लम फिक्स होगा। तो इसके लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव का जरूरत होगा, यहाँ पर मेरा विंडोज 10 का एक बूटेबल पेन ड्राइव है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर दूंगा, कंट्रोल एल्ट और डेल बटन से मैं इसको रिस्टार्ट कर दूंगा, आप चाहे स्विच से भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने से पहले आपको कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा देना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर कीपैड में F12 बटन प्रेस करना है बायोस सेटअप मेनू को लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टअप मेनू आ चुका है, यहाँ पर आपका जो पेन ड्राइव आपने लगाया है जो भी ब्रांड का यहाँ पर शो कर देगा। देखिए यहाँ पर नीचे मेरा किंगस्टोन का पेन ड्राइव आ चुका है, UEFI में किंगस्टोन का पेन ड्राइव है। मैं सिंपली इसमें लाकर इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर ओके किया यहाँ पर देखिए बूटिंग लेना शुरू हो चुका है, मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट होना शुरू हो चुका है, देख पा रहे हो। मैं अपने कंप्यूटर को सी ड्राइव फॉर्मेट करूंगा क्योंकि DE ड्राइव में मेरा डॉक्यूमेंट है, तो मुझे सी ड्राइव फॉर्मेट करने से 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर में कुछ अपडेट भी किया होगा या फिर विंडोज करप्ट भी हो जाएगा या फिर बायस में कुछ सेटिंग गलत होगा तो ये फॉर्मेट करने से 100% ये सॉल्व हो जाता है, बस आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव का जरूरत है। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।